क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। चैप्टर जो हमारा था वो था माय मदर एट 66। ट्वेल्थ क्लास बुक है फ्लेमिंगोस और उसमें है ये पोइम माय मदर एट 66। इसके बारे में मैंने कल क्लास में बताया था और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में जो तीन स्टांजा थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए थे। अब इसके बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में जो आपकी पोइम लिखी हुई है उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो वाले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन इन एग दैट द पोएट फील्स। किस प्रकार का दर्द और दुख कवि इस कविता में महसूस करती है। तो देखिए यहां पर किस प्रकार का दर्द वो महसूस करती है। When the poet looks at her mother's face closely, जब कवि अपनी माँ के चेहरे को, मदर्स फेस, माँ के चेहरे को काफी पास से, क्लोजली काफी पास से देखती है, सी डिस्कवर्स, तो वह यह देखती है, यह खोज निकालती है दैट शी वाज एज्ड, कि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, उसकी उम्र हो चुकी है। एंड हर एंड इज नियर, और वो ये भी पता लगाती है कि उसका अंत अब निकट है। द फीलिंग ऑफ हर मदर बीइंग ओल्ड एंड नीडिंग केयर एंड हेल्प पेन्स द पोइट एज देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर। अब कवि की ये फीलिंग कि उसकी माँ बूढ़ी होती जा रही है, नीडिंग केयर, उसको परवरिश की या फिर देखभाल की आवश्यकता है, हेल्प, उसको सहायता की आवश्यकता है, पेन्स, उसे इस बात का दर्द होता है, पेन्स द पोइट, ये सब बातें से उस पोइट को, कमला दास को दर्द होता है। As there is no one to look after her, क्योंकि कवि के जाने के बाद में, क्योंकि कवि अपनी ससुराल में पहुंच चुकी है और वो केवल एक या दो दिन के लिए माँ बाप से मिलने आई थी, तो वो ये जानती है कि वो बुढ़े हो चुके हैं उसके माँ बाप और घर पे उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। She feels, वो ये महसूस करती है that her mother can die any moment, कि उसकी माँ किसी भी क्षण मर सकती है। That then she will lose her forever, और इसके बाद में वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। Her childhood fear of losing her, उसका बचपन का ये डर कि उसकी माँ खो जाएगी, losing her mother, which was then timely, but now will be forever surfaces, क्योंकि उसे ये डर था कि उसकी माँ धीरे धीरे बुढ़ी हो जाएगी और एक दिन मर जाएगी, ये पहले था लेकिन अब ये दोबारा से प्रकट हो गया और उसे लगता है कि ये उसका डर हमेशा के लिए रहेगा। आप लोगों के लिए 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप क्वेश्चन उतार लीजिए, इसके बाद में इसका आंसर उतार लीजिए। आप क्वेश्चन और आंसर को उतार लीजिए। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में YouTube पर भी डालने वाला हूं, तो आप वहां से भी इन क्वेश्चंस को उतार सकते हैं, और वैसे भी मैंने इसकी पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना के पहले ही YouTube पर डाल रखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग।
जो छोटे छोटे युवा पेड़ हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनको यहाँ पे ऐसे क्यों डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं? एक बार मैं ये देख लेता हूँ कौन कौन है अभी। भाई ये ना ये म्यूट करो आप। यौवन चौधरी, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ हैं, उनको ऐसे क्यों डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं? इसका कारण क्या है? The young trees have been personified. सबसे पहले तो यंग ट्रीज को यहाँ पे personified किया गया है, personification किया गया है उनका, उनको मतलब एक तरह से व्यक्ति बनाया गया है, जीवित वस्तु बनाया गया है, जीवित व्यक्ति बनाया गया है। यस रेडमी 9 पावर, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। Young trees have been personified or when looked at from poet's moving car, जब कवि उन्हें अपनी कार से देखती है, क्योंकि उसकी कार चल रही है, तो ये बिल्कुल एक तरह से साइंस का जो नियम है कि हम लोग पृथ्वी पे बैठे हुए हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन हमें सूर्य कैसे दिखता है कि सूर्य पूर्व से दक्षिण होते हुए पश्चिम की ओर जाता है। तो ये क्या है, हमें जो पास की चीज है वो बिल्कुल उल्टा घूमती हुई दिखाई देगी। और कवि जो है वो कार में बैठी हुई है, कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन पास में जो पेड़ हैं वो पेड़ तो अपनी जगह पे स्थिर हैं। तो कवि को ऐसे लगता है कि वो पेड़, हम वो कवि तो कवि को ऐसे लगता है जैसे वो खुद तो कार में स्थिर बैठी हुई है, उसकी कार स्थिर है, लेकिन पास के पेड़ जो हैं वो बहुत तेज गति से आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं। दे सीम टू बी रनिंग पास्ट, वो ऐसे प्रतीत होते हैं वो पीछे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। द पोइट फाउंड इट टू बी स्ट्राइकिंग अपोजिट टू हर मदर, तो उसे कवि को ये ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल उसकी माँ के बिल्कुल उल्टे हैं। हु लुक्ड एज स्टिल एज ए डेड बॉडी, जो कि ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे मृत शरीर हो, उसकी माँ बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है और वो जो युवा पेड़ हैं बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, विरोधाभास पैदा होता है यहाँ पे। Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के दौड़ते हैं, तो कवि इन प्रसन्न बच्चों की चित्र को इस कविता में बीच में क्यों लाती है? क्योंकि एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ वो पेड़ हैं, फिर वो बच्चे भी हैं, तो ऐसे उन बच्चों के चित्र को यहाँ पे, बच्चों की बातों को क्यों लेके आती है? देखिए, कोई ड्रॉज कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज ट्रेवलिंग विद हर एंड व्हाट सी कैन सी आउटसाइड। कवि यहाँ पे एक तुलना करती है कि उसके साथ में क्या यात्रा कर रहा है और वो क्या बाहर देखती है। उसके साथ में यात्रा करने वाला कौन है? उसकी माँ जो कि बुढ़ी है, और वो बाहर क्या देखती है? युवा बच्चों को जो कि जोश से भरपूर हैं, उत्साह से भरपूर हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, और उसकी माँ में इन सब चीजों की कमी है, उत्साह नहीं है क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी है, एनर्जी भी उसकी बहुत कम है। इट्स ए कंपेरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ये एक कंपेरिजन है लाइफ और डेथ के बीच में।
जीवन और मृत्यु के बीच में एक तुलना है। हर मदर इज स्लीपिंग, उसकी माँ सो रही है। विद माउथ ओपन, उसका मुंह खुला हुआ है। लाइक ए डेड बॉडी, जैसे कि एक मृत शरीर हो। वाइल आउटसाइड सी कैन सी चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ लाइफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, जबकि बाहर वो उन बच्चों को देख सकती है जो कि जीवन से भरे हुए हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं और एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why has the mother been compared to late winter's moon? माँ की तुलना late winter's moon से क्यों की गई है? Late winter's moon, अब प्लीज अपना ऑडियो बंद कीजिए आप लोग। किसका ऑडियो खुला हुआ है भाई? यौवन चौधरी। ओहो सर, श्याम कुमार जी भी आ गए हैं। वाह, हेलो। क्या हाल चाल सर? जी क्या हाल चाल है बच्चों? आपको बता दूं, हमारे बीच में है मिस्टर श्याम कुमार, लेक्चरर संस्कृत, जो पहले अपने यहाँ पे सलेमपुर स्कूल में लेक्चरर थे, वो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। Just as the late winter's moon is full, dull and lack luster, जैसे कि late winter's moon जो होता है वो थोड़ा सा dull होता है और उसमें luster यानी चमक की कमी होती है। Mother, ठीक उसी प्रकार से उसकी माँ है। At the end stage of her life, क्योंकि उसके जीवन का अंतिम पड़ाव जो है उस पर वो पहुंच चुकी है। Also, as the late winter's moon gets overshadowed by fog and mist in the sky, ठीक उसी तरह से जैसे कि late winter's moon जो है वो आकाश में जो फॉग होती है, धुंध और मिस्ट जो कोहरा होता है, उसके द्वारा ओवरशैडोड होता है, हो जाता है, उससे छिप जाता है और बहुत कम दिखाई देता है। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से हर मदर कैन गेट ओवरशैडोड बाय डेथ एट एनी टाइम, उसी प्रकार से उसकी माँ भी किसी भी समय, एट एनी टाइम, किसी भी समय मृत्यु के द्वारा, बाय डेथ, मृत्यु के द्वारा ओवरशैडोड, आच्छादित कर दी जाएगी। मतलब उसकी मां के ऊपर कभी भी मृत्यु आ सकती है। बोथ ऑफ देम आर नियरिंग एन एंड, वन ऑफ सीजन एंड द अदर ऑफ लाइफ, दोनों ही मतलब लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून किसके निकट है, एंड वन ऑफ सीजन, एक तो सीजन के अंत पर है, मतलब सर्दियों के बाद में स्प्रिंग आने वाली है, वसंत ऋतु आने वाली है, वसंत ऋतु में सब कुछ बिल्कुल खुल जाता है, बादल कोहरा वगैरह सब कुछ हट जाते हैं, तो वहां से उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो अभी क्या है, वो अपने एक सीजन के बिल्कुल अंत पर है, साल के अंत पर है। द अदर, और दूसरा है उसकी माँ, जो कि अपने जीवन के अंत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। What do the parting words of poet and her smile signify? Poet ने यहाँ पे दो शब्द कहे थे, दो तीन शब्द। एक तो थे उसके parting words, और उसने last में जब जाते समय कहा था see you soon अम्मा, ये तो थे उसके parting words, और दूसरा था उसकी smile। उसने क्या किया, what I did was smile, smile and smile।
तो इन सब का क्या महत्व है, सिग्निफाई क्या महत्व है? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सो, कवि के जो पार्टिंग वर्ड्स थे, बिछुड़ने वाले सब जो उसने बिछुड़ते समय कहे थे, सो हर पॉजिटिव एटीट्यूड, वो उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को, सकारात्मक सोच को दिखाते हैं। सी ओवरकम्स हर पेन एंड फियर, वह अपने दर्द और डर से उबर आती है, उन पे काबू पा लेती है। अश्योर्स हर सेल्फ, अपने आप को सांत्वना देती है। एंड हर मदर, और अपनी माँ को भी सांत्वना देती है, आश्वस्त करती है दैट दे वुड मीट अगेन, कि उनका अंत इतनी जल्दी नहीं है, उनका अंत आएगा, उससे पहले वो एक बार पुनः मिलेंगे। सी इज बीइंग वेरी ब्रेव, इस वक्त वो बहुत ज्यादा बहादुर हो रही है, इन शब्दों को कह के वो बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रही है, विच इज इंडिकेटेड बाई द यूज ऑफ रिपीटेशन इन द पोएम, जिसको कि कविता में इन शब्दों के रिपीटेशन के द्वारा दिखाया गया है। क्या है? स्माइल स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये जो हर स्माइल है ये क्या इंडिकेट करती है? दैट सी इज बीइंग वेरी ब्रेव, कि वो बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे तो हमारी स्लाइड एंड है, इतने ही क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत अच्छा। ये जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है ये मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, आप यूट्यूब चैनल को जरूर देखें, और वहां पर यदि आपको इसमें कोई भी समस्या आई हो तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप पुनः पूछ सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये क्लास काफी अच्छी रही, मैं क्लास को बंद करता हूँ अब, और 11 बजे हमारी 10th क्लास की क्लास है।